देखो सुबह सुबह हमारे बच्चे रेडी हो गए हैं नहाकर। हनी मम्मा इधर देखो, मेरी तरफ देखो जल्दी से। हनी को तो पता नहीं क्या हो जाता है। हनी माम कर दो, चलो। हाँ तुम भी माम करो। देखो आयत ने सही किया, तुम तो पता नहीं कैसे करने लगी हो बिल्ली के साथ। करो जल्दी से माम। अरे माम करो हनी मम्मा, इधर देखो मेरी तरफ। हाँ माम करो अब। हनी देखो आयत कर रही है, माम तुम भी करो। चलो हाय कर दो तो जल्दी से दोनों भी। आयशा भी कर दो, करो। हाँ किसी दे दो। आई मेरा बच्चा। देखो हनी कैसी लेट गई है। हनी का हगीस सही करते हैं, रुको पहले। हनी है ना निकर नहीं पहनती है। जब भी हनी को निकर पहनाओ ना तो वैसे खींचती है, इसलिए मैं उसे ज्यादातर पहनाती नहीं हूँ। और वो बहुत मतलब ज्यादा सुस्तू भी करती है, तो उसका हगीज भी मुझे जब बार बार चेंज करना होता है। हनी गिर जाओगी, पीछे करवट नहीं लेना, पीछे गिर जाओगी। तो ये वजह से हनी को ज्यादातर निकर नहीं पहनाती हूँ, कहीं जाना बाहर होता है तो उससे मैं निकर पहनाती हूँ, वरना उसका हगीज बहुत जल्दी लीकेज हो जाता है। आयत का नहीं होता, आयत बहुत शांत बच्ची है हमारी। और देखो ये से ना इसे मारो, मारो ये बच्ची को, गंदी हरकत करती है। नहीं मम्मा नहीं 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 ये करी है ना। हाँ कौन किया? हनी ने किया है। आयत नहीं, उसमें नहीं घुसना, काम की चीजें नहीं है तुम्हारी। नहीं पाउडर नहीं लगाते, मैं रख देती हूँ उसको इधर। अब देखो ये दोनों की दोनों वहां टीवी में घुसेंगी। टीवी अभी तक चालू नहीं हुआ, थोड़ी निकलने वाला है। तुम लोग है ना उसके बटन अंदर बाहर करके टीवी को बेचारे को बिल्कुल खराब कर दो, है नी? हनी गिर जाओगी। देखो ये बच्ची, देखो ये बच्ची सुनती नहीं है। हनी मम्मा चलो इधर बैठो जल्दी से। चलो हनी इधर आ जाओ, बाबू आ जाओ। ये देखो आयत कैसे लेट गई है, तुम भी लेट जाओ। ये देखो आयत कितनी अच्छी आयत लेट गई है। ये देखो आयत लेट गई हनी, हनी आयत लेट गई। देखो हनी मम्मा, देखो आयत मम्मा लेट गई है। देखो हनी गिर जाओगी टीवी लेकर नीचे। अरे चलो इधर आओ। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कर दिया है न्यू ब्लॉग स्टार्ट। और जी यहाँ देखिए, बच्चों को तैयार करने के बाद अजान का टाइम हो गया था, तो मैंने नमाज़ पढ़ी और यहाँ पढ़ रही हूँ मैं कलाम पाक। तो फ्रेंड्स मैंने आज फजर में कलाम पाक ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, तो सोचा कि अभी थोड़ी देर बैठ कर मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। तो यह देखो यहाँ मैं पहले यासीन शरीफ पढ़ूंगी और उसके बाद जो मैं पारा पढ़ रही हूँ वो पूरा कंप्लीट करूँगी। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं कलाम पाक पढ़ने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रेवत नाज और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी छोटी सी जिंदगी में। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। रात की दुआओं से हम सब भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स हो गया शाम का टाइम और आज ब्लॉग मैंने शाम से स्टार्ट किया है। अब बनेगी शाम की चाय और आज दोपहर में अम्मी ने बनाई थी सुतरिए। सुतरियाँ आप मुझे नहीं पता कि दूसरी जगह उन्हें क्या कहते हैं, पर यहाँ महाराष्ट्र में उन्हें सुतरियाँ कहते हैं। मतलब जो गोश्त का सालन बचा होता है ना रात का, तो उसमें जो बासी रोटी होती है उसे मसाले को और थोड़ा भून कर और जो रोटी होती है उसे टुकड़े करके और उसमें डाल देते हैं और वो खाने में इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि बस मज़ा आ जाता है। मैं नींबू निचोड़ के खाओ, सरका कढ़ी खाओ, पापड़ खाओ, अच्छा लगता है खाने में। कभी बनाओ और खाओ, और अगर नहीं आती तो हमसे बोलो, हम बना के बताते हैं और फिर आप खाओ वैसी बना के। रोटी वेस्ट नहीं होती और खाने में भी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स अभी शाम की चाय बनेगी, चाय बनेगी और बच्चे आ गए हैं पढ़ने के लिए, तो देखते हैं कौन कौन आया है कौन कौन नहीं। और मैंने दो दिन से ब्लॉग नहीं बनाया, ना मैंने जुमेरात को ब्लॉग बनाया ना मैंने जुमे को ब्लॉग बनाया। वालेकुम सलाम। क्योंकि दो दिन तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं थी और मेरे जो बैक साइड में ना नीचे बहुत दर्द था, उसकी वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। कुछ हनी मुझे बहुत सताती थी, उस वजह से भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। और रात में मुझे हनी ने सताया कि पूरी रात उसने मुझे सोने नहीं दिया। अम्मी से अम्मी भी परेशान हो गई थी रात में, मतलब उसने हमें सोने नहीं दिया बिल्कुल भी। क्या हो गया? तो आ गए हैं अरबी के बच्चे, मेरे को सब बच्चे मिले। अब इनका सबक सुनेंगे और उसके बाद मिलेंगे आपसे।
तो फ्रेंड्स, ये आज जो बच्चे हैं इन्होंने इनमें से दो बच्चों ने कुछ ऐसी गलती की है जो मैं बता भी नहीं सकती। इस वजह से मैंने दो बच्चों को मुर्गा बनाया। ये देखें, ये दोनों बच्चियों को मैंने मुर्गा बनाया क्योंकि मैंने काफ़ी समझाती हूँ, बट मुझे लगता है इनके है ना दिमाग में मेरी बातें नहीं बैठती हैं। और फिर मैंने इन्हें पढ़ाई नमाज, तो आज हम देखेंगे कि बच्चे किस तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं। तो आज अदीबा की बारी है, तो आज अदीबा नमाज़ पढ़ा रही हैं, और जहाँ जहाँ इनकी गलती होती है फ्रेंड्स, तो वहाँ मैं इन्हें बताती हूँ, और इसके बाद इंशाल्लाह मैं भी इन्हीं के साथ असर की नमाज़ पढ़ा करूँगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बच्चे सब नमाज़ पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से। और जी मतलब एक एक दिन एक एक बच्ची की बारी में इसलिए ले रही हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि किसे सही तरीके से आती है, किसे नहीं आती है, इसलिए। और यहाँ देखें, यहाँ बच्चे दुआ मांग रहे हैं, ये देखें। और उसके बाद हो गई इन लोग की नमाज़, ये अपनी अपनी जाए नमाज़ उठा रहे थे। और जी मैंने समझा रही थी कि घर पे जाके भी नमाज़ पढ़ो मगरिब की, इशा की। तो अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी बच्चे हैं जो नमाज़ पढ़ने लगे हैं, और फाइनली इनके जाने का टाइम हो गया है फ्रेंड्स। ये देखें तो बच्चे जा रहे हैं अपने अपने घर। और यहाँ बनाई है पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न रखी थी मेरी बहन सोनी, हमेशा आती है तो पॉपकॉर्न वगैरह लेकर आती है, तो हम लोग टाइम पास के लिए खाते हैं, तो आज फिर पॉपकॉर्न बनाई है। तो फ्रेंड्स, फाइनली बच्चे चले गए अरबी पढ़ के, और नमाज़ पढ़ के भी गए असर की, क्योंकि उन्हें असर की नमाज़ मैं यहीं पढ़ाती हूँ और देखती हूँ किसे याद है किसे नहीं है, और जो गलती होती है वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक दिन एक एक बच्ची नमाज़ पढ़ाती है, जो बड़ी बच्ची आए वो, तो चार पांच बड़ी लड़कियाँ हैं, बाकी सब छोटे हैं। तो मैं रोज़ एक एक से असर की नमाज़ पढ़ाती हूँ। तो आज एक लड़की ने मुझे चिट्ठी लिखी है, ये देखिए उर्दू में है, तो वो लिखती है कि उर्दू में है कि अस्सलाम वालेकुम बाजी, हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। बाजी, हमने जुमेरात के दिन फजर और जहर असर मगरिब इशा की नमाज़ पढ़ी, और जुमे के दिन फजर और जहर मगरिब इशा की नमाज़ पढ़ी, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हफ्ते के दिन हमने, मतलब वो फिर से लिख दिए नीचे कि हफ्ते के दिन हमने फजर नमाज नहीं पढ़ी क्योंकि हमें किसी ने उठाया नहीं, दादा ने हमको बोले कि नमाज का वक्त ख़त्म हो गया था, इसलिए हमने नमाज नहीं पढ़ी फजर की। आज दो बच्चियाँ और आती, फूफू की बेटी, एक चाचा की बेटी है साथ में, जिसे मैंने मुर्गा बनाया हुआ था, वो बच्ची ने नमाज़ पढ़ी। तो एक छोटी सी कोशिश है कि बच्चे नमाज पढ़ें। और जी जैसे पहले लड़कियाँ थी तो मैं उनसे कहती थी तो वो लोग फॉलो कर लेते थे, ये लोग जल्दी फॉलो नहीं करते, तो मैं इसलिए उनसे यहीं पढ़वाती हूँ नमाज़। और मैंने उन्हें सख्त ताकीद किया है कि जो नमाज़ पढ़ेगा उन्हें मैं पढ़ाऊँगी, जो नहीं पढ़ेगा उन्हें मैं नहीं पढ़ाऊँगी। ये चिट्ठी थी, ये मैंने पढ़ के सुनाई आपको, और अच्छा लगा मुझे क्योंकि स्कूल का टाइम याद आ गया। हम लोग टीचर वगैरह को चिट्ठी लिखा करते थे, कुछ हो गया तो मतलब हिम्मत नहीं हो रही बोलने की, तो हम लोग अक्सर चिट्ठी पे लिख के टीचर्स को देते थे। तो आज वही चीज़ याद आ गई। और ये देखो बच्चे हमारे मिट्टी खा रहे हैं बैठ के, मतलब दरवाजे हैं ना, दरवाजे की जो नीचे की चौखट है वहाँ से निकाल निकाल के, बताओ क्या करें, वही बताओ हमें कि इन बच्चों के लिए हम क्या करें जिससे मिट्टी खाना छोड़ दें। तो माही ने बनाई है थोड़ी सी पॉपकॉर्न रखी थी, सोनी हमेशा आती है ना पॉपकॉर्न वगैरह लेकर आती है, वहाँ से फिर हम उसकी पॉपकॉर्न बनाते हैं खाते हैं। तो अभी मैंने थोड़ी सी पॉपकॉर्न लेती हूँ, वो खाती हूँ। और जी एक दो बाजी का फ़ोन आएगा, बाजी से बात करनी है। और कल अल्हम्दुलिल्लाह नानी आ गई हैं घर, तो अम्मी उन्हें मिलने जाने वाली हैं कल या परसों, अम्मी जाएंगी। मतलब ये वार्म करने जा रही थी, देखो मिट्टी लग रही है, देखो ये देखें, ये देखो वार्म करो, ऐसे करते डरा रही, वार्म कर रही हाँ? गंदी बच्ची ऐसा हो गया, डरा रही हो। ये देखो दूसरी वार्म कर दो, ये देखो कितने सारे पॉपकॉर्न मुंह में रख दिए इसे देखो मैंने हनी की वो पिलाई है, पाजी पिनाई है, ये देखो छोटी छोटी पैर में हनी को बहुत फिट हो रही थी, फिर हमने आयत को पिना दी। तो फ्रेंड्स, तो बच्चे चले गए हैं, आज थोड़ा सा जरा आराम कर लें, और वैसे ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट करा हुआ था आज, तो अभी और कंटिन्यू करेंगे। जा मम्मा, जा पानी पी लो, पानी मम्मा पी लो, थोड़ा सा मम्मा पी लो आयत। तो देखिए यहाँ रखी बच्चों की बॉटल बॉईल होने के लिए, और उसके बाद हमें गोश रखना है गलने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ, मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे दुआओं में याद रखें, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।